दोस्तों टाइटल देख के अभी समझ तो गए होगे कि कैसा गेम प्ले का वीडियो है, बस देखते जाओ मजा आएगा। इट्स मैजिक ब्रो। अच्छा ना, मैं नीचे था और मैं अचानक ऊपर आ गया और नॉक भी हो गया, देख रहे हो? मतलब कब बंद करेगा पबजी अपने ये ग्लिच मेरे भाई? ओ भाई, इसके चक्कर में तो इंट्रो देना ही भूल गया। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का पबजी मोबाइल के और एक नए गेम प्ले में। तो जैसा कि आपने देखा भैया, पबजी का एक ग्लिच चलता रहता और मैं उसी बंदे से दूसरी बार नॉक हुआ था। कसम से, अब तो मन कर रहा था ना कि भाई मर जाऊं, क्योंकि पड़ कहाँ से रही थी कोई आइडिया नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, ठीक है, ऊपर बिल्डिंग नीचे बिल्डिंग। अब देखो भाई स्कैम क्या होता है यहाँ पे, लोग रश कर जाते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं था लूट के नाम पे, मतलब लिटरली हम बस फिस्ट लेकर बैठे थे, तो बेटर हमने ये समझा कि दूसरे घरों में घुस जाते पहले। हील तो देख ही लो अब क्या ही करेंगे, हील दूर की बात, कुछ है ही नहीं हाथ में हील तो भैया। तो भैया मार मूर के ढूंढ ढूंढ के अभी तक हमारे पास कुछ नहीं था, हम पे तीन बंदे रश कर रहे थे और कतई मेरी नसीब देखना, मतलब मेरी और पिताजी की, अभी मजा आ जाएगा। एक नेड बस पास ही फटा था, एक फ्लोर नीचे फटा था, बट एकदम क्लोज इनफ, ठीक है। तो फटा था तो एक्चुअली नीचे नहीं फटा था, वो बाजू के ये सामने वाले रूम में फटा था, ठीक है। और नसीबत मैं जिंदा था और दो चार बैंडेज मिल गए थे, तो हील मार चुका था और इताजी का थोड़ा बहुत डैमेज खाया था, लेकिन चलता है। अब मेरे हाथ में थी सिक्कल और इन्होंने, मतलब जो अपने एनिमीज ने रश करने के लिए जो है पूरा स्मोक आउट कर दिया। अब डर इस बात का फट गई थी क्योंकि मेरे पास सिक्कल था, इताजी के पास कुछ भी नहीं था। हम दोनों वेले बैठे ढूंढ रहे बंदों को कि किधर है, सॉरी वो हमको ढूंढ रहा, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई स्कैम स्कैम है यार ये पबजी सही में। खैर भैया हमने जो है दबा कर टीपी पी लिया बस इस उम्मीद में कि यार अगर वो लौंडे ऊपर आ जाते हैं तो कुछ कर वर ले, लेकिन ना वो ऊपर आ रहे थे ना मैं नीचे, लेकिन उन्होंने ऊपर एक नेट जरूर कर दिया जिससे इताची के लग गई। अब भाई बस यहाँ किस्मत देखना, मैं यहाँ आके एंगल लेने लगा और तभी वो लोग आपस में पता नहीं किसके साथ उलझ गए। मतलब बेसिकली यहाँ पे तीन बंदे थे शायद, आई गेस, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देख मैं सिकल के साथ भाई चला गया फाइट लेने को, सोच रहे हो भाई? मैं लेट गया भाई, जैसे भैया देखा भाई क्या ही करे, लेकिन ये लौंडा खेल गया भाई, थोड़ी देर पहले और आ जाते मैं बचा हुआ रहता। खैर यहाँ पे भाई साहब ने लूटा अच्छे से और हमको 1v2 करना था इन भैया को, और सामने एक बंदा दिख गया जो लेट गया, मतलब दिख गया तो भाई उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। लेकिन भाई स्कैम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बस और एक स्कैम देखना मज़ा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको दो बंदे दिखे, ठीक है, ये दो बंदों को दोस्तों याद करना, ठीक है, मतलब माइंड में रखना, क्योंकि स्कैम ना आखिरी में यही दो बंदे करते, देखते जाओ। इन दोनों को बहुत डैमेज दिया बढ़िया वाला, और इन्होंने भी मतलब दिया ना के बराबर डैमेज दिया हमको, ठीक है, और वो डैमेज आया था सामने वाले घर को। अब यहाँ पर इस लॉन्डे को जो है बढ़िया तरीके से नॉक कर दिया, और उसका टीममेट जो है पीछे पहाड़ के ऊपर था तो वो भी लेट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आके दो किल, ठीक है। अब बंदे बचे थे पांच, जिसमें से हम एक सोलो, मतलब 2v2 का सिचुएशन, क्योंकि वो दो बंदे थे वहाँ पर, ठीक है। ये हो गया पूरा क्लियर, यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब जब बंदा मतलब अपने पिताजी भाई इस घर के पास आए, तो यहाँ पे जो है फुटस्टेप्स आने लग गए जोर से। तो अब केस ऐसा बन रहा था कि भाई बंदा या तो इस घर में है नहीं तो इसके बाजू वाले घर में, लेकिन जब जैसे मतलब थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हुए ना, तो थोड़ा बहुत श्योरिटी मिल गया कि इसी घर में कहीं तो है। तो पूरा भाई ने बूम बम करने की पूरी पूरी कोशिश की, ठीक है, ये सोच कर कि अब देखो केस है 2v1v1, ये एक घर का बंदा पीछे के दो बंदे। अब स्कैम देखना,
लौंडा गया अंदर घुस के कि भैया अब ये सोलो बंद है, ठीक है, वहाँ पे पीछे दो है उनको तो बात की बात है, तो सोलो बंदों को पहले थोड़ा बहुत मतलब बूस्ट वूस्ट मार के हील वील करके जाके ठोक के आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आखिरी एक स्मोक था, हमने सोचा कि भाई स्मोक कर देते हैं, शायद पैनिक होकर वो नीचे उतर जाएगा। वो नीचे उतरा तो सही, लेकिन पीछे वाले चोरों ने मार दिया, है बैड लक। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ कैसा कैसा स्कैम हुआ है। तब तक के लिए